हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का नया सिलेबस चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर जो है अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर हमने पिछले वीडियो में देखा प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स, और उन्हीं के अलग अलग वेरिएशंस जो हमेशा डिमांड में आते हैं उन्हें समझने के लिए ये तीन मेथड्स बहुत एसेंशियल है। तो चलिए सबसे पहले क्विक रिकैप करते हैं कि वो पाँच टाइप्स एग्जैक्टली क्या थे। दोस्तों, हमारा शॉर्ट कोड था प्योर, और प्योर में पी फॉर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट चेंज, जब प्राइस में स्लाइट या जीरो चेंज की वजह से डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाता है, इन्फिनिटी चेंज आ जाता है, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, एंडलेस है, बाउंडलेस है, ऐसे चेंज को ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट कहा जाता है। इसके अलावा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी इज इक्वल टू जीरो, इसमें कोई बदलाव डिमांड में नहीं देखा जाता। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये प्रोपोर्शनेट चेंज है इक्वल टू वन। उसके बाद रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ईडी इज ग्रेटर देन वन, मतलब डिमांड में जो बदलाव आया वो प्राइस से थोड़ा ज्यादा आया, और रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी डिमांड में जो चेंज आया वो प्राइस से थोड़ा कम आया। तो इस प्रकार हमने ये पांच टाइप्स किए थे। अब हर केस में कौन से टाइप का प्राइस इलास्टिसिटी देखा जा रहा है वो पहचानने के लिए मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो पांच केसेस हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये हर जगह पर हो सकते हैं, और इन्हीं को मेजर करना ज़रूरी है, और इसीलिए इन्हीं को मेजर करने के लिए हमारे ये तीन मेथड्स बहुत उपयोगी हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो तीन मेजर्स, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, रेशियो और परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड, एंड पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। तो दोस्तों, इस प्रकार मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देयर आर थ्री मेथड्स, रेशियो और परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड, एंड पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। चलिए शुरू करते हैं रेशियो मेथड के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसके नाम में ही ये बता रहा है, रेशियो और परसेंटेज मेथड। तो यहाँ पर जो चेंजेस प्राइस और जो चेंजेस क्वांटिटी डिमांडेड में आए हैं, बस उन चेंजेस को हमें डिवाइड करना है, और ऑटोमेटिकली वी विल अंडरस्टैंड कि पांच केसेस में से कौन सा यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी देखा जा रहा है। वंस अगेन आई रिपीट, रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कितना बदलाव डिमांड में आया उसका परसेंटेज, और कितना बदलाव प्राइस में आया उसका परसेंटेज, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलिए देखते हैं इसे एक एग्जांपल के द्वारा। यहाँ पर एग्जांपल बहुत सिंपल और बहुत क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट को। दोस्तों देखिए, कमोडिटी का प्राइस पहले 20 रुपीज था। आप देख सकते हैं 20 रुपीज पे क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 10 kgs, ओके? अब प्राइस बढ़ गया, 20 से प्राइस हो गया 25, और क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस बढ़ा, तो जाहिर सी बात है इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का, तो डिमांड जो है वो कम हो गया। अब कितना कम हुआ, प्राइस हो गया 25, डिमांड हो गया 9, तो प्राइस में कितना चेंज आया 20 से 25, यानी 5 रुपए का फर्क, 5 रुपए का चेंज, और क्वांटिटी डिमांड में 10 kg से चेंज आया 9 का, यानी 1 किलो का फर्क। तो ये दो चेंजेस जो हैं इन्हें हम डिवाइड करने वाले हैं। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड Q इज इक्वल टू 10 एंड न्यू डिमांड इज 9। सिमिलरली ओरिजिनल प्राइस वाज 20 एंड न्यू प्राइस इज 25, द डिफरेंस इज 5। सो फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो आप देख सकते हैं फॉर्मूला के अंदर, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ये डेल्टा क्यू और डेल्टा पी यानी चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस, और उसी को सिंप्लीफाई करते हुए ईडी इज इक्वल टू 1/10 इंटू 20/5। मतलब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, चेंजेस को वहां पर फॉर्मूला में फिल कर रहे हैं। ईडी इज इक्वल टू 0.4 विच इज लेस देन 1, यानी ये मेथड से हमें ये पता चलता है कि दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेयर इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, क्योंकि ये लेस देन 1 है।
तो इस प्रकार रेशियो और परसेंटेज मेथड से हम परसेंटेज ऑफ चेंज डिवाइड करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ दोस्तों, ये मेथड बहुत सिंपल और बहुत ही सटीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी नाम की तरह ही बताता है खर्चे के द्वारा कि कितना इलास्टिसिटी है डिमांड का एज द चेंज इन प्राइस। दिस मेथड वॉज डेवलप बाय प्रोफेसर मार्शल वंस अगेन। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड। पहले जो भाव था, दाम था कमोडिटी का, तब हमें कितना खर्चा होता था, और उसके बाद जब प्राइस में चेंज आया तो हमें कितना खर्चा हो रहा है। उस चेंज को देखकर, उस खर्चे के आधार पर हमें प्राइस इलास्टिसिटी पता चलेगी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, द टोटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। बस मल्टीप्लाई कर देना है प्राइस को क्वांटिटी के साथ और कंपेयर करना है पुराने में कितना था खर्चा और अब नए वाले प्राइस पे कितना खर्चा है। तीन प्रोपोजिशन हमें दिए हैं अल्फ्रेड मार्शल ने, या तो रिलेटिवली इलास्टिक होगा, या तो यूनिटरी इलास्टिक होगा, या तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। क्या है ये? तो अगर खर्चा ज्यादा है, पहले के मुकाबले अब खर्चा बढ़ गया, तो इट इज ग्रेटर देन वन, यानी रिलेटिवली इलास्टिक। अगर खर्चा सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, प्राइस के बदलने से उतना ही डिमांड है, तो इट इज इक्वल टू वन, यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और अगर खर्चा कम हो गया प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो देन इट इज शोइंग रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यानी लेस देन वन। तो बहुत सिंपल बात है दोस्तों, अगर ग्रेटर है खर्चा तो ईडी ग्रेटर देन वन, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक यानी इक्वल, और रिलेटिवली लेस देन वन। तो इस प्रकार एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ए बी सी तीन कमोडिटीज दिए हैं बहुत सिंपल तरीके से। ए का ओरिजिनल प्राइस था पहले 10, और 10 पर कमोडिटी जो थी वो 6 क्वान्टिटी मंगाई जाती थी। अगर 10 इंटू 6 करें तो हो जाता है 60, मतलब हमारा पहले खर्चा होता था 60 रुपीज। अब क्या हो गया, भाव हो गया 20। अब 20 पे हमने कमोडिटी को सिर्फ 5 यूनिट्स ही मंगवाया, तो 20 इंटू 5 करते हैं तो होता है 100, यानी प्राइस के बढ़ने से हमारा जो टोटल आउटले है, टोटल खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ गया। 60 पहले था, अब 100 हो गया, यानी इट इज ग्रेटर देन वन। सो वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक, यानी ये हमारा ग्रेटर देन वन वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्वांटिटी कमोडिटी बी जो है, इसका पहले प्राइस था 30, फिर प्राइस हो गया 40। जब 30 प्राइस था तो कमोडिटी डिमांडेड जो थी वो थी 4, और उसके बाद जब प्राइस बढ़ा यहाँ पर तो हमने 3 यूनिट्स ही उसको डिमांड किया। अब देख सकते हैं 30 × 4 = 120, 40 × 3 = 120, यानी पहले भी खर्चा 120 रुपये था, और बाद में भी खर्चा, प्राइस में चेंज आने के बाद भी जो खर्चा हो रहा है वो भी 120 ही है, तो ED इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है ना दोस्त, खर्चा कंपेयर करो और बताओ कि प्राइस इलास्टिसिटी कौन सी है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं इक्वल टू 1, यानी यूनिटरी इलास्टिक। आखिरी एग्जाम्पल में कमोडिटी सी पहले प्राइस था 50, उसके बाद प्राइस हो गया 60। अब आप देख सकते हैं पहले हम क्वांटिटी जो थी कमोडिटी की वो 2 यूनिट्स मंगा रहे थे, अब हमने उसको 1 कर दिया प्राइस बढ़ने पर, तो 50 × 2 = 100। अब हम एक ही कमोडिटी मंगा रहे, तो 60 × 1 = 60। तो आप देख सकते हैं कि हमारा खर्चा जो है कम हो गया है, पहले 100 रुपीज़ था, अब 60 रुपीज़ हो गया है, तो ईडी इज लेस देन 1, और इसीलिए इट इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो ये तीन प्रोपोजिशंस के आधार पर यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड समझा दिया गया है इस एग्जांपल के बेसिस पे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी मेथड पर, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। जी हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल ने जो प्रोपोर्शनेट मेथड दिया उसी का एक एक्सटेंशन भी इसको मान सकते हैं कि एक ही डिमांड कर्व पे कैसे सारे पॉइंट्स या सारी प्राइस इलास्टिसिटी को प्लॉट किया जा सके। प्रोफेसर मार्शल हैज डेवलप्ड अनदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी of demand which is known as point method or geometric method. The ratio method and total outlay methods are unable to measure elasticity of demand at a given point on the demand curve. यानी एक ही पॉइंट पर अगर हमें डिमांड कर्व जो है उसी एक ही पॉइंट पर हमें मेजरमेंट करना है तो नहीं हो पाता था विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड और द टोटल आउटले मेथड, और इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल ने ये वाला मेथड दिया। इस मेथड का मूल फॉर्मूला समझ लीजिए, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व।
बस ये बेसिक है, इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्त। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब ये एग्जैक्टली है क्या, चलिए इसको डायग्राम के और ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये डायग्राम है, नीचे है क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे है प्राइस। आप देख सकते हैं एक ए बी डिमांड कर्व हमारे सामने है। अब वी अज्यूम कि ए बी जो है ये 8 सेंटीमीटर्स का एक डिमांड कर्व है। अब आप देखिए कि यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं और कितने सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। यू कैन सी देर आर 4 सेक्शंस, 1 दैट इज ए टू ए पी टू, उसके बाद पी टू से पी, फिर पी से पी वन और पी बी। ऐसा ए बी जो ये पूरी लाइन है, ये ए बी इज ऑफ 8 सेंटीमीटर, मतलब हर सेक्शन 2-2 सेंटीमीटर का है। अब देखो हमें हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करना है, तो वो कैसे करेंगे? हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। चलिए देखते हैं पहला केस, एट पॉइंट पी। अब ये जो बीच का पॉइंट है पी, इस पे हमें मेजर करना है कि बॉस इलास्टिसिटी कितना है। तो याद रखिए फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो पी के नीचे आप देख सकते हैं 2 सेक्शंस हैं, एक पी से पी वन और एक पी वन से बी। ये 2 सेक्शन यानी 4, मैंने बताया आपको 8 सेंटीमीटर का पूरा लाइन है ए बी, तो हर सेक्शन 2 का है। तो पी के नीचे जो लोअर सेगमेंट है वो हो गया 4 का, और साथ ही साथ अगर पी के ऊपर का यानी अपर सेगमेंट देखें तो वो भी 4 सेंटीमीटर्स का है। तो बेसिकली फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम फिल करें फॉर्मूला को, तो 4/4 दैट इज 1, और इसीलिए does at point P डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि आंसर आ रहा है ED इज इक्वल टू 1। समझे कि नहीं? बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, ये ए बी जो लाइन है 8 सेंटीमीटर की है, 2-2 सेंटीमीटर के 4 सेक्शन है इसमें, और हर सेंटीमीटर में हर पॉइंट पर हमें यही देखना है कि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट से डिवाइड करेंगे जब हम, तो हमें कौन सी इलास्टिसिटी मिलती है। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल एट पॉइंट पी वन। अब आप देखिए पी वन के नीचे एक ही सेक्शन है यानी 2, लोअर सेगमेंट 2 हो गया। उसके ऊपर आप देख सकते हैं 1-2-3 यानी 3 सेक्शन है, 2-3-6, तो यहाँ पर जो है 2/6 दैट इज 0.33, और इसीलिए यहां पर जो हमारा जो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये लेस देन 1 है, 0.33 इज लेस देन 1, एंड दैट इज व्हाई यहां पर जो आंसर है वो हमारा है रिलेटिवली इनइलास्टिक। चलिए बढ़ते हैं आगे, एट पॉइंट पी टू द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज 6/2। अब पी टू को देखिए आप, पी टू के नीचे जो है ये 3 सेक्शन है, तो 2-3-6 डिवाइड बाई 2, क्योंकि पी टू के ऊपर तो एक ही सेक्शन है 2 सेंटीमीटर का, तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट दैट इज 6/2 इज इक्वल टू 3। दस एट पॉइंट पी टू डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक दैट इज ग्रेटर देन 1। तो इस प्रकार दोस्तों हर पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आसानी से मेजर कर सकते हैं यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला दैट इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करेंगे तो ये ए बी जो डिमांड कर्व है इस पे आप आसानी से ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हालांकि हमें एक्सरसाइज में कोई कैलकुलेशंस नहीं करने, सिर्फ ये मेथड को समझने के लिए आपको ये डायग्राम के वे में समझाया जा रहा है। बढ़ते हैं इसी मेथड के एक छोटे से दूसरे हिस्से पर, वो है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। यानी ये लाइन ना हो तो क्या, व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर दैट इज सरल वे में इस लाइन को नहीं बनाया गया, इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। देखिए आप डी डी कर्व देख सकते हैं, वो एक कर्व दिख रहा है आपको डी डी, तो ये जो कर्व ऐसा है तो क्या करेंगे, तो सिंपल है बॉस, ए बी टेंजेंट आप खुद बना दीजिए जो इस कर्व को इंटरसेक्ट करे, कर्व को मीट करे। तो उसी का कुछ यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया गया है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी। तो हमने ए बी बनाया है टचिंग द गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, हमने उसको टच किया है, आप देख सकते हैं ई जो पॉइंट है वो वहाँ पर है, वो हमारा मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर, टू मीट वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी। फाइनली द फॉर्मूला इज वंस अगेन द सेम, लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिलो गिवन पॉइंट एंड अपर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट अबाउ गिवन पॉइंट। इस तरह से वंस अगेन 3 प्रोपोजिशन, यूनिटरी इलास्टिक अगर इक्वल है तो, अगर ग्रेटर है तो रिलेटिवली इलास्टिक, और लेसर है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया है बहुत ही सिंपल 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रेशियो मेथड परसेंटेज है, उसके बाद टोटल आउटले मेथड एक्सपेंडिचर है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कीजिए, और लास्टली पॉइंट मेथड जिसके अंदर हमने एक लीनियर कर्व के द्वारा हर पॉइंट पर
हर पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी मेजर किए विद द सिंपल फॉर्मूला लोअर सेगमेंट अपॉन द अपर सेगमेंट। तो इस प्रकार हम आसानी से तीनों मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।